हिचकी आने की कई वजह हो सकती है। वैसे हिचकी आना तो आम बात है, लेकिन मेडिकल साइंस के मुताबिक लगातार हिचकी आना एक बीमारी है। सामान्य उपायों के बाद भी अगर हिचकी नहीं रुक रही है तो डॉक्टर की राय लेना जरूरी है। आपको जब कभी हिचकी आती है तो आप परेशान हो जाते हैं। हिचकी आने की ठोस वजह क्या है, इसको लेकर मेडिकल साइंस के पास जवाब नहीं है। लेकिन अचानक हिचकी का आना फिर थोड़ी देर में गायब हो जाना आपकी सेहत के बारे में बहुत कुछ बताता है। जब कभी हिचकी आती है तो आप पानी पीते हैं। कभी कभी पानी पीने के बावजूद हिचकी को रोक पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में हम आपको कुछ घरेलू नुस्खे बता रहे हैं जिसे करने से हिचकी आनी बंद हो जाएगी। कब आती है हिचकी? मेडिकल साइंस के मुताबिक डायाफ्राम के सिकुड़ने पर हिचकी आती है। ऐसे में जब कभी हिचकी आए तो अपनी सांसों को रोके। ऐसा करने से फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड भर जाएगा और डायाफ्राम उसे निकालने का काम करेगा। डायाफ्राम जैसे ही एक्टिव होगा हिचकी आनी बंद हो जाएगी। चीनी खाने से हिचकी रुकेगी। जैसे ही हिचकी आए एक चम्मच चीनी खा लें। चीनी खाने से हिचकी आनी बंद हो जाएगी। ज्यादा तेज हिचकी आ रही है तो पानी में चीनी और नमक को मिला लें और उसे पी लें। कुछ देर में हिचकी बंद हो जाएगी। नींबू और शहद का सेवन हिचकी रोकने में नींबू और शहद भी कारगर होता है। एक चम्मच नींबू का रुपए निकालें और उसमें शहद मिलाएं और फिर उसे पी जाएं। इससे हिचकी बंद हो जाएगी। तेज खाने से आती है हिचकी। बिना चबाए तेज खाने से हिचकी आती है। तीखा खाना खाने से भी हिचकी आती है, इसलिए खाना धीरे धीरे चबाकर खाएं। अच्छे से चबाकर खाने से हिचकी भी नहीं आएगी और डाइजेशन भी सही रहेगा। चॉकलेट पाउडर। हिचकी आने लगे तो एक चम्मच चॉकलेट पाउडर खा लें। इसे खाने से हिचकी तुरंत ठीक हो जाएगी। काली मिर्च। हिचकी आने लगे तो काली मिर्च चीनी के साथ मुंह में रखकर चबाएं। कुछ देर तक उसका रुपए चूसते रहें। ज्यादा तीखा लगने पर पानी पी सकते हैं। ऐसा करने से हिचकी बंद हो जाएगी। टमाटर खाने से बंद होगी हिचकी। हिचकी आने के दौरान टमाटर खाने से बंद हो जाएगी। टमाटर के अलावा हिचकी आने पर एक चम्मच पीनट बटर खाएं। इससे सांस लेने की प्रक्रिया में बदलाव होगा और हिचकी बंद हो जाएगी।